हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीवाईक्यू, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन। सो इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी विल सॉल्व कैट 2020 परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। सो देर आर टोटल 3 क्वेश्चन। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अंकिता बाई 4 kg काजू, 14 kg पीनट एंड 6 kg आलमंड। वेन द कॉस्ट ऑफ 7 kg काजू इज सेम एज दैट ऑफ 30 kg पीनट्स और 9 kg आलमंड्स। ओके, सी मिक्सेस ऑल द 3 nuts एंड मार्क्स अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। कूल। सी सेल 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। ओके, द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। 20% डिस्काउंट ऑन कुल, दस मेकिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 744। देन द अमाउंट इन रुपीज सी हैड स्पेंड इन बाइंग एलमंड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड टोटल स्पेंडिंग ऑन एलमंड। वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 7 kg काजू इज सेम एज 30 kg पीनट्स एंड 9 kg आलमंड। सो 7 kg ऑफ काजू, लेट्स एज्यूम दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ काजू पर केजी इज सी इक्वल टू 30 kg पीनट्स। द कॉस्ट प्राइस फॉर पीनट पर केजी इज पी एंड द 7 kg काजू इक्वल टू 9 kg ऑफ आलमंड। सो वी कैन फर्दर सॉल्व दिस लाइक सी इक्वल टू 30/7 पी, सी इक्वल टू 9/7 इंटू ए। नाउ वी कैन टेक वैल्यू ऑफ पी और ए। सो अभी पी का वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम द मल्टीपल ऑफ 7। सो लेट्स एज्यूम इफ वी टेक वैल्यू ऑफ पी 7x, सो व्हाट विल हैपन, 7 7 कैंसिल आउट, सो सी का वैल्यू 30x आ जाएगा। सो अगर सी का 30x यहाँ पे पुट करेंगे, सो 3 3 नहीं, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, कटेगा नहीं। सो 7x वर्क नहीं करेगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो हमको यहाँ पे देखा कि 3 से मल्टीपल हमको चाहिए, सो वी टेक वैल्यू ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 21। सो लेट्स एज्यूम द मिनिमम वैल्यू ऑफ 21 मल्टीपल इज 21, सो एक्स। सो नाउ द कॉस्ट प्राइज ऑफ काजू पर केजी, यहाँ पे 21x पुट कर लेते हैं, तो 7 3 डेट इज 90x। सो 90x, अब सी का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक 90x। सो 10, सो ए वुड बी 70x, सो ए वुड बी 70x। एंड अंकिता बाई 4 kg काजू, सो टोटल स्पेंडिंग ऑन काजू इज 280x। टोटल स्पेंडिंग ऑन, सॉरी, 6 kg आलमंड, माई बैड, दिस इज आलमंड ना। सो 420x, काजू हाउ मच, 14, सॉरी 4 kg, सो दिस विल बी 60x। एंड पीनट्स विल बी 14 kg, सो 14 1 4, 14 2 290, 4। ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल जो कॉस्ट अमाउंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे, पीनट्स पे कितना स्पेंडिंग, काजू पे कितना स्पेंडिंग, एलमंड पे कितना स्पेंडिंग। सो टोटल स्पेंडिंग इफ वी ऐड देन वी गॉट द टोटल कॉस्ट अमाउंट। सो 0 6 7, सॉरी नॉट 0 4, 4 0 1, 1074x, दिस इज द टोटल स्पेंडिंग। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, लाइक सी मिक्सेस ऑल द 3 nuts, सो मिक्सचर कितने का हो जाएगा, 4 14 एंड 6 24।
24 केजी का मिक्सचर हो जाएगा। मार्क्स ऑफ प्राइस फॉर मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। मार्क प्राइस फॉर मिक्सचर, सो वी डोंट नो द मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर, सो लेट्स एज्यूम दैट मिक्सचर का प्राइस है वाई वाई पर के जी, वाई रुपीज पर के जी। तो टोटल 24 के जी मिक्सचर है, तो मेरा सेलिंग जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। सो 24 इंटू वाई सेलिंग अमाउंट, दिस इज सेलिंग अमाउंट। एंड अगर इस प्राइस पे वो मिक्सचर को सोल्ड आउट कर रहा है, सो अंकिता वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। इट मीन्स दैट जो सेलिंग अमाउंट है माइनस कॉस्ट अमाउंट इक्वल टू 1752। दिस इज वेरी बेसिक, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो आवर सेलिंग अमाउंट इज हाउ मच, 24 y, कॉस्ट अमाउंट इज 1704। ओके लेट्स लीव इट हेयर फॉर टाइम बीइंग, कुछ आगे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे लार्जर वैल्यू है तो कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाए। सो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे ही कैंसिल आउट होता है या नहीं। तो आगे रीड करते हैं, सी सेल्स 4 kg ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। 4 kg ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस, ओके 4 kg ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस वाई पे कुल, एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। सो इनिशियल वाई एंड 20% डिस्काउंट, इट मीन्स 4/5, 4/5 वाई 20 kg। सो दिस इज आवर न्यू सेलिंग अमाउंट, द इनिशियल वन इफ ही सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, जो मिक्सचर का कॉस्ट सॉरी मिक्सचर का जो मार्क प्राइस है उस पे बेचेगा तो उसको 1752 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। बट इस कंडीशन के हिसाब से लाइक सी सेल, यहाँ पे वो 774 प्रॉफिट कर रहा है। सो इट मीन जो ये सेलिंग अमाउंट है माइनस कॉस्ट अमाउंट इक्वल टू हाउ मच, 744। अभी देखो यहाँ पे भी कॉस्ट अमाउंट आया नेगेटिव में, यहाँ पे भी कॉस्ट अमाउंट आया नेगेटिव में, सो हम इस इक्वेशन को विदाउट कॉस्ट अमाउंट लिखे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेलिंग अमाउंट कितना है, 24 y। सो 24 y माइनस सी ए इक्वल टू 1752, एंड हेयर इफ वी 416 16 फोर 20 y। सो 20 y माइनस सी ए इक्वल टू 744, इक्वेशन टू। अगर हम इसको 24 y माइनस सी ए इक्वल टू 1752, देन द 4 y इक्वल टू हाउ मच, सो 8001। सो y द वैल्यू ऑफ y वुड बी 252। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड स्पेंडिंग, आलमंड का टोटल स्पेंडिंग इट मीन्स 420x। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 24 y है, यहाँ पे 20 y है सी ए, सो यहाँ पे पुट करते हैं 20 y, कैलकुलेशन ईजी होगा। सो 4 5 2 2 4 5 2 10 0, वो तो चले 5। सो 5040 माइनस कॉस्ट अमाउंट इज हाउ मच, 1074, 1074 एक्स इक्वल टू 744। सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसको हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो वी विल गेट 6924 डिवाइडेड बाय 1074। अब इसको 4 से देखे, 1000 या 4 हो रहा है, 74 into 4 4 4 4 16 1, ओके वेरी इजी, 4 से कट आउट हो जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 4। नाउ वी विल फाइंड 420x, सो 420x इंटू 4 इक्वल टू 0 428 4 6 6 1 6 8 0, दैट इज ऑप्शन सी।
So I hope this is clear to you. Very, not a very easy question, but medium kinds of question. थोड़ा सा कैलकुलेशन, नॉट ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं था, आप 2 मिनट या 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम सिनेरियो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड गाइस इफ दिस इज क्लियर टू यू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू कमेंट व्हाट यू फील अबाउट द वे ऑफ सॉल्विंग। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, रीड करते हैं। अमल भाई 110 kg ऑफ सीरप एंड 120 kg ऑफ जूस, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस पर केजी, ओके वेरी इजी, ही सेल 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट, ओके एंड 20 kg ऑफ जूस एट 20% प्रॉफिट, कूल, मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, रिमेनिंग मींस 20 जूस, सो 100 एंड 100, ओके वेरी कूल, अमल सेल द मिक्सचर एट 308.32 पर केजी and makes an overall profit of 64%, then the normal cost price for syrup in rupees per kg. Titta, very easy question, not a very difficult one, very easy question. Solve करते हैं. So यहाँ पे cost का कुछ relation दिया है. So syrup का cost is 20% less है. It means 4/5 cost of juice. So let's assume juice का price 50x, so syrup का प्राइस इज 40x, सो वी गॉट जूस का प्राइस एंड सिरप का प्राइस एंड ही सेल 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट, सो सिरप का प्राइस 40x है, 10 kg 10% का प्रॉफिट, सो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 44x, 44x इनटू 10, ये है सिरप का, सो हाउ मच 440x, फॉर जूस 20% प्रॉफिट, सो 50x का 20% 10, दैट इज 60x सेलिंग प्राइस हो जाएगा एंड 20 kg, सो टोटल अमाउंट इज 1200x। And now, Amal mix the remaining juice and syrup. So, 10 kg syrup and 20 kg juice. So, he had remaining 100 kg syrup and 100 kg juice. That is total 200. And he sell the mixture at 308.2 per kg. So, 200 kg into 308.32. यहाँ पे देखो पॉइंट में क्यों दिया है, आप अगर आप पहले देख के डर गए कि यार ये पॉइंट में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, सो खत्म हो गया कहानी वहीं पे ही। देखो पॉइंट इसलिए यहाँ पे दिया है कि ये 00 है, ये आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्ट ना हो, तो कैट में कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन नहीं आते हैं उतना, सो कीप इन दिस माइंड। सो 4 6 16 6, सो 6164 इतना अमाउंट हमको मिला 200 kg जो मिक्सचर सोल्ड किया उसका। अब क्या बोल रहा है कि ही मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64% देन द अमल कॉस्ट प्राइस फॉर सिल्वर पर रुपीस, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो 64% का प्रॉफिट ओवर करना, इट मींस जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस, सेलिंग अमाउंट माइनस कॉस्ट अमाउंट इक्वल टू 64% ऑफ कॉस्ट अमाउंट, प्रॉफिट तो कॉस्ट अमाउंट पे ही निकलेगा ना, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 16 25, तो सेलिंग अमाउंट इसको हम इधर ले जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे ये सारी चीजें करने की नीड नहीं थी, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे सेलिंग अमाउंट इक्वल टू 164, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख लेता 164 इंटू कॉस्ट अमाउंट, बट मैं बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ये सभी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए तो सेलिंग अमाउंट इक्वल टू यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट भी करेंगे, 41/25 होगा, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 41/25 फर्स्ट अमाउंट, तो सेलिंग अमाउंट इज हाउ मच, 0461, तो सेलिंग अमाउंट इज 1640x प्लस this one also, no?
6164 equal to 41 by 25 into cost amount. So 50x juice का है into 120. So cost amount would be 6000x plus 110 into 40. 4400x, it means 10400x. इसको मैं इरेज कर देता हूँ. So यहाँ पे आ गया 10400x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. फोर ओके, फोर हो गया जीरो और 16 हो गया. वन सेकेंड, 25 फोर ओके, यहाँ पर फोर आया जीरो. सो जीरो यहाँ पे एक कर सकते हैं. सो यहाँ पे 16, 4016x, 4016x हो गया. सो 4016 होगा क्या? 104 25 400 4016 होगा नहीं यार, नहीं तो लोग, क्योंकि 4016 तो नहीं हो सकता. 416 416x. अब इसको 416 में 41 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. सो 416 4 से 6 4 24 4 2 4 6 16 17. सो दिस इज 6508118056. सो 180 56x, और यहाँ पे है 1640. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 61664 ये वाला. तो 61 और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओके 224 and 7 17 416x. सो एक्स इक्वल टू 6164 डिवाइडेड बाई 17416. यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, इशू नहीं है. तो 61664 डिवाइडेड बाई 17416, दैट इज 3.54. सो एक्स का वैल्यू 3.54. तो सीरम, वी हैव टू सीरम इनटू 40, 141.62. पॉइंट में टीटा में तो पॉइंट होता नहीं है आंसर. नहीं हमने गलत किया, नहीं हमने गलत किया है बॉस. वेयर वी वुड मेक मिस्टेक्स. 16408 ओके, वेरी गुड. 41 25, 10400 डिवाइडेड बाई 25 416 ओके इंटू 41. अच्छा यहाँ पे गलत हुआ है, 17056 माइनस 1640 इक्वल टू 1500 416. सो यहाँ पे आ जाएगा 15. अब डिवाइड करते हैं 61664 डिवाइडेड बाय 15416 इज 4 ओके. नाउ वी गॉट एक्स का वैल्यू 4. सो वी हैव टू फाइंड 40x. सो 40x इज इक्वल टू 160. सो द आंसर इज 160. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था. मुझे रीड करने से लगा कि ये इजी होगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव था और एग्जाम में थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा हेडेक हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वी पुट दिस क्वेश्चन इन मीडियम कैटेगरी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 3rd. तो रीड करते हैं क्वेश्चन. मनु अर्न 4000 पर मंथ एंड वांट टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन अ ईयर.
मीन्स टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, एवरेज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा। सो 12 × 558 इज 6600। इन द फर्स्ट 9 मंथ हिज मंथली एक्सपेंस वॉज 3500, अर्निंग 400, 3500। सो 500 का सेविंग कर रहा है ड्यूरिंग 9 मंथ। सो 9 मंथ सो 4500 का ये सेविंग किया ड्यूरिंग 9 मंथ। अब आगे क्या बोल रहा है कि ही फॉरसीन डेट 10th month ऑनवर्ड हिज मंथली एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज टू 3700। सो इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली टारगेट, मतलब 6600 का टारगेट मीट करना है, हिज मंथली अर्निंग इन रुपीज फ्रॉम द 10th ऑनवर्ड शुड भी कितना होना चाहिए, सो डेट वो ये जो टारगेट है, ये जो 6600 का टारगेट है, ओके, सॉरी गाइज, सो 10th month ऑनवर्ड कितना होना चाहिए सो डेट जो मनु है वो ये टारगेट को मीट कर पाए। सो अभी हमने देखा कि 9 मंथ में उसका सेविंग 4500 है, 4500, लेकिन क्या हो रहा है, ये 9 मंथ का है, 9 मंथ। अब क्या हो रहा है कि उसका एक्सपेंस 3700 हो जा रहा है, इट मीन्स डेट उसको 300 ही मतलब 400 के अकॉर्डिंग में सेविंग होगा, बट वी हैव टू मीट द टारगेट सो डेट उसका अर्निंग कितना होना चाहिए। नाउ वी ऑलरेडी सेव 4500 इन 9 मंथ, सो हाउ मच अमाउंट रिमेनिंग वी हैव टू सेव, लाइक मनु हैव टू सेव 6600 डिवाइडेड बाई 45, सॉरी सब्ट्रैक्ट, सो 001 टू 2100 रिमेनिंग उसको सेव करना है, और रिमेनिंग मंथ कितने हैं, सो 9 मंथ ऑलरेडी गॉन, सो 3 मंथ। सो पर मंथ मनु वुड हैव टू सेव 700, दैट इज 2100 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 700। सो मनु वुड हैव टू सेव 700 पर मंथ इन ऑर्डर टू मीट द सेविंग टारगेट। सो व्हाट वुड बी द सैलरी, सो द एक्सपेंसेस इज 3700 एंड द मनु हैव टू सेव 700, सो सैलरी वुड बी 3700 प्लस 700, दैट इज 7444, 7 7 4 और 3 8 4 44, 4400 उसको सैलरी चाहिए इन ऑर्डर टू मीट द सेविंग टारगेट, दैट इज ऑप्शन सॉरी बी नॉट सी, बी ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, 4400। सो आई होप दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, नॉट टेक मोर देन 1 मिनट, 1.5 मिनट मैक्सिमम। दिस इज अ वेरी क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो ना देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद द फ्रेंड एंड ऑल्सो डू कमेंट वट यू फील एंड गिव अस फीडबैक लाइक वेयर आई कैन मेक इम्प्रूवमेंट। सो इन फ्यूचर इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो आई विल मेक सम इम्प्रूवमेंट। सो होप दिस विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 नेक्स्ट टॉपिक के साथ, 2022 इज ओवर, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सो वी विल टेक रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का टॉपिक। सो वहाँ उसको हम लोग 2017 से 2022 तक कवर करेंगे, फिर कोई अदर नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।